प्रशांत किशोर के तरफ से लगातार सीएम नीतीश पर हमला बोला जा रहा है, उनके कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार हैं। प्रशांत किशोर हर दिन नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने कहा है कि 2020 में उनको मना किया था कि काफ़ी कम सीट है, आप सीएम मत बनिए भले राष्ट्रपति शासन लग जाए। बिहार सरकार हर मोर्चे पे फेल है, वो पीएम पद की दावेदारी इसलिए कर रहे हैं ताकि सीएम की कुर्सी बची रहे। सो मैं हर जिले में जा रहा हूँ, हर जगह नीतीश का विरोध हो रहा है। घोर कलयुग है, कभी खिदमत में नारा लिखने वाले नरेटिव सेट कर रहे हैं, भाई धंधा कीजिए, बिहार को गंदा मत कीजिए। माननीय प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति में अभी किशोर हैं, आपको जानकारी नहीं, मैं विधानमंडल के बैठक में भागीदार रहा हूं। माननीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए अनिच्छा व्यक्त किया, भाजपा का विधायक दल का नेता वहां चुना गया, आप तो मौजूद नहीं थे वहां, और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा ने दबाव देकर के कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आप इस जिम्मेवारी को कबूल करिए। लेकिन नीतीश कुमार जी की एक कार्यशैली रही है कि गवर्नेंस में कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई उन्माद फैलाने की भाषाई उन्माद फैलाने की कोशिश किया, राजनीतिक षड्यंत्र किया, तो पार्टी ने ससमय फैसला ले लिया। तो आप अब क्यों परेशान हैं? अरे आप तो बिहार घूम रहे हैं कि 2024 के चुनाव में राजनीति की दुकान में कहां हम फिट बैठेंगे। आपको क्या मतलब है बिहार की सरजमी का, सच्चाई का क्या मतलब है? इसलिए माननीय प्रशांत किशोर जी, इस बिहार के सामाजिक जकड़न के राज्य में अभी आप किशोर हैं, राजनीति की जो लंबी पाठशाला है अभी तो प्रारंभिक काल में आपने प्रारंभ किया है, यात्रा पूरा कर लीजिएगा, यात्रा में बीच में मत हलंत लगा दीजिएगा। इसलिए उनके बयान का इतना ही औचित्य है। अच्छा, लेकिन उनके निशाने पे लगातार नीतीश रह रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं रहे, तो क्या लगता है कि अंदर खाने बीजेपी से उनकी सेटिंग हो गई है, बीजेपी के सारे पे बोल रहे हैं? अरे भाई, ये लोग कमर्शियल लोग हैं, मैं तो बहुत नज़दीक से देखा हूँ ना, इन लोग को कोई राजनीति में जो स्थायित्व होता है, ये संघर्ष की बुनियाद पर थोड़े आए हैं, ये तो कभी खिदमत में नारा लिखने वाले थे, फिर नरेटिव सेट करने लगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धंधा करते हैं, धंधा कीजिए, बिहार को गंदा मत कीजिए। बिहार में अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, एक से एक नारा, एक से एक पोस्टर, एक से एक क्रिएटिविटी में बिहार के नौजवान के सामने अब टिक नहीं पाएंगे। आप अजमाए हुए नुस्खे हैं, अब बिहार की जनता, कोई राजनीतिक दल आपके पाले में कहां पड़ने वाला। एक आखिरी सवाल, नीतीश जी तो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पीएम पद की दावेदारी हो रही है, लेकिन पीसी चाको हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, अब एनसीपी में, उन्होंने कहा है कि नीतीश ममता जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये भी देखना होगा कि विपक्ष के सभी नेताओं को शरद पवार में विश्वास और उनको नेता मानते हैं, वही हैं जो पूरे विपक्ष को एकजुट रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये भी कह रहे हैं कि वो दावेदारी करेंगे पीएम पद की, लेकिन अगर उनको कहा जाएगा तो इस नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, तो पहले ही तो विपक्षी एकता की हवा निकलती दिख रही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो व्यापक एकजुटता का एक संदेश है। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जब महागठबंधन का स्वरूप लिया, भारतीय जनता पार्टी राज्य की राजनीति में पहली बार अकेले पड़ गई। 2015 में उनके पास सहयोगी था, 2022 में उनको कोई सहयोगी बिहार में नहीं मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यह अभियान शुरू किया तो एनसीपी के नेता आदरणीय शरद पवार जी से भी मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, हमारी इच्छा यह है कि 2024 में एक सार्थक विकल्प बने, और सार्थक विकल्प बनने की दिशा में सामूहिक प्रयास चल रहा है, और इसका असर बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, विभिन्न राज्यों में दिखाई पड़ रहा है, तो उसके नतीजे आ रहे हैं, ये तो सुखद संकेत है। जरूरत पड़ने पर नीतीश कुमार शरद पवार का भी जो नेतृत्व है उसको स्वीकार कर सकते हैं। अरे नेतृत्व का मसला भी कहाँ आया है, अभी तो वह भी यही कह रहे हैं कि एक सही प्रयास हो रहा है, हम भी कह रहे हैं कि वो सही प्रयास का ही नतीजा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तो मुलाकात उनसे हुई है, इसलिए इसमें कोई पद की दावेदारी पर कहीं कोई विवाद नहीं है, उद्देश्य एक ही है कि 2024 में रोकना है। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर
आने वाले जो चुनाव हैं उसमें बिहार में सेट होना चाहते हैं, उसी को लेकर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो अभी सियासत में किशोर हैं, उनको कोई जानकारी पॉलिटिक्स की नहीं है, नीरज दावा कर रहे हैं। साथ में क्या शरद पवार का नेतृत्व नीति स्वीकार करेंगे, इस पर तो खुल के कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कह रहे नीरज कुमार की विपक्ष को भी एकजुट होना होगा, आगे चल के नेता कौन होगा ये देखा जाएगा। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।